श्रुतिका, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्टिक स्पेस एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन सो दैट यू विल गेट अपडेटेड फ्रॉम ऑफ माय न्यू वीडियोस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ, मामा अर्थ एक बहुत अच्छी ब्रांड है जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लाती है एंड बहुत ही वेल नोन ब्रांड है अपने इंडिया में, और आप उसके प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ट्रस्ट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप उसे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरा स्किन टाइप जो है वो वेदर के हिसाब से चेंज होता है। लाइक अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है, सो मेरा स्किन टाइप जो है वो मिक्स कॉम्बिनेशन में आता है, मोर टूवर्ड्स ड्राई स्किन हो जाता है जब विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, एंड जब समर सीजन आ जाता है तो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन जो है वो मोर टूवर्ड्स ऑयली स्किन चला जाता है। सो आई यूज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द वेदर। ओके, सो इस मामा अर्थ उपटन फेस वॉश के लिए आपको एक बता दूँ कि इसमें हल्दी या टर्मरिक ग्रैनुल्स यूज है जो कि आपको थोड़ा सा स्क्रब के जैसा फीलिंग देंगे, तो आप इसे एज अ फेस वॉश प्लस स्क्रब आप यूज कर सकते हैं। सो मेरा सेंसिटिव स्किन है, इस वजह से मैं उसे रेगुलर यूज नहीं कर सकती हूँ। ये जो है मैं वीकली वंस यूज कर सकती हूँ। वैसे भी मैं स्क्रब यूज करना अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई यूज एक्सफोलिएटिंग सीरम। आप मेरे पिछले वीडियोज देख सकते हैं, जैसे कि डीकंस्ट्रक्ट एक्सफोलिएटिव सीरम। सो ये जो है मेरे लिए थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन टाइप होने की वजह से मैं ये फेस वॉश रेगुलर नहीं यूज़ कर सकती हूँ, या तो वीकली या तो 15 डेज में एक बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो। ओके, अब चलते हैं हम इसके डेमोंस्ट्रेशन की तरफ कि इसे यूज़ कैसे करना है। मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ खुद पे, तो आप देख सकते हैं, और उसी के साथ एक टिप भी दूंगी उसी में, तो आप प्लीज़ देखिए वो वीडियो। ओके, तो जो टिप मैं आपको देने वाली थी वो ये है कि स्टीम पूरा चेहरे में आप पूरा स्टीम लीजिए। जब आप ये फेस वॉश यूज़ करें या फिर कोई भी स्क्रब जैसा यूज़ करें तो आप स्टीम को ज़रूर लें। स्टीम यूज़ करते करते स्क्रबिंग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ये जो है ये मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश है, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। जितना सफिशिएंट अमाउंट आपको चेहरे को लगता है आप उतना निकाल लीजिए, और आपके चेहरे को थोड़ा सा गीला करके आप इससे मसाज स्टार्ट कर दीजिए। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मुझे पता नहीं था इसके अंदर स्क्रबिंग ग्रैनुल जैसा भी कुछ है, जिसकी वजह से मेरी स्किन सडनली रेड होने लग गई। ओके, तो आप ये ऐसा जब भी स्क्रब करें, आप ऐसा स्टीम लेते हुए स्क्रब करें, ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। हफ्ते में एक बार आप स्क्रबिंग कर सकते हैं ऐसा स्टीम लेते हुए, रोज नहीं करना है। ओके, तो ये आपकी स्किन के डेड सेल्स को पूरा बाहर निकालता है। लेकिन जो सेंसिटिव स्किन पर्सन है प्लीज़ ये थोड़ा ध्यान से करें, हो सके तो अवॉइड करें। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वॉश कर लिया है, लेकिन आपको मेरे चेहरे पे हल्का सा रेडनेस दिख रहा है, यहाँ देखिए रेड हो गया है बिकॉज इसमें ग्रैनुल्स है, मेरा स्किन सेंसिटिव है। सो सेंसिटिव पर्सन थोड़ा ध्यान से यूज़ करें इसे। सो आपने देखा कैसे इसे मैंने यूज़ किया, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए आपको टिप कैसी लगी, और आपने इस्तेमाल किया है तो आपको कैसा लग रहा है यूज़ करने के बाद में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फेस थोड़ा क्लीन नज़र आ रहा है, थोड़ा सा रेडनेस है चेहरे पे बिकॉज ग्रैनुल्स की वजह से, सेंसिटिव स्किन पर्सन हूँ इस वजह से, लेकिन नॉर्मल स्किन पर्सन के लिए बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। दिवाली आ रही है भाई, फेशियल स्टार्ट कीजिए, आप घर बैठे भी फेशियल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टिप है, जो स्टीम लेके फेस स्क्रब करना, ये बहुत अच्छा ग्लो देता है आपके चेहरे पे, पूरा डर्ट निकालता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को क्लीन करता है। लेकिन स्क्रबिंग की तरफ ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा रगड़ के ना करें, वरना आपके चेहरे पे रैशेज भी आ सकते हैं। सो बहुत स्लो मूवमेंट में आप स्टीम यूज़ करें, बहुत अच्छा होता है। हफ्ते में एक ही बार यूज़ करें, और सेंसिटिव स्किन पर्सन जो है वो थोड़ा स्लो मूवमेंट या हल्का मूवमेंट करे चेहरे पे, बहुत ज़्यादा जोर जोर से ना रगड़े,
क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो सकती है, बट यस, ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद में मुझे मेरा फेस थोड़ा क्लीन नज़र आया पहले से। आप मुझे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये फेस। जैसे कि मामा अर्थ है, तो ये क्लेम करते हैं कि ये पैराबेन और सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हाइपो एलर्जन फ्री है। तो मुझे कुछ एलर्जी तो नहीं हुई, बट यस, रेडनेस ज़रूर आ गई मेरे स्किन पे। सो मैं इसे थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी, हफ्ते में या 15 डेज में माइट बी एक बार यूज़ कर सकती हूँ मैं इसे, पर धीरे धीरे। और ये फेस वॉश में लिखा हुआ है कि ये टैन रिमूवल फेस वॉश है। सो मेरा स्किन उतना टैन तो होता नहीं है, बट आप यूज़ करके देखिए और आप खुद ही बताइए मुझे कि इससे आपके रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं। बट यस, ये इनका क्लेम है कि ये टैन रिमूव करता है। इसे यूज़ करने के बाद स्किन मुझे क्लीन तो लगी, टैन का मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने एक दो बार ही यूज़ किया है इसे। तो आप देखिए आपका टैन रिमूव होता है या नहीं, बिकॉज ये टैन रिमूवल का क्लेम करता है। ओके, सो ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग मामाअर्थ उबटन फेस वॉश। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको ये फेस वॉश पसंद आया या नहीं, या आप कोई आप या फेस वॉश पहले से यूज़ कर रहे हैं अगर, तो आपके रिजल्ट कैसे हैं आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देन प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि आप मेरे वीडियो से अपडेटेड रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। बाय बाय।